हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स वेक्टर एलजेब्रा, जिसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट। हम आज पढ़ेंगे, और इस बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर को, कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। तो देखो, जितने फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जितने भौतिक राशियां हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, भौतिक राशियों का मतलब होता है फिजिक्स की स्टडी करने के लिए जो वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं। तो जितने भी फिजिकल एक्चुअल में वेक्टर एलजेब्रा बनाया क्यों गया, ये जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनके स्टडी करने के लिए हमने सदिश बीजगणित को बनाया। एक स्पेशल मैथमेटिक्स का ब्रांच है जहाँ पर हम सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ एक्चुअल में थ्री टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होता है सदिश राशि, जिसको हम वेक्टर कहते हैं। दूसरा अदिश राशि, जिसको हम स्केलर कहते हैं। और तीसरा भी होता है जिसको प्रदिश कहा जाता है। जनरली इसका हम बहुत कम यूज़ करते हैं, टेंसर। इसका हम यूज़ बहुत कम करते हैं टेंसर क्वांटिटी का, तो हम सदिश ही कह देते हैं। ये सब आपको पहले से पता है। देखो, सदिश राशियों का मतलब होता है जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या हो, दिशा भी हो। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और प्लस डायरेक्शन भी हो, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि का मतलब होता है जिसमें क्या हो, केवल परिमाण का मतलब क्या होता है, जिसमें केवल मात्रा बस हो। और ये एक ऐसा कंडीशन है जो कुछ कुछ कंडीशन में वेक्टर की तरह बिहेव करता है, कुछ कुछ कंडीशन में वो स्केलर की तरह बिहेव करता है। मतलब इसका व्यवहार ऐसा है कि कभी कभी तो यह सदिश की तरह कार्य करता है और कभी कभी यह अदिश की तरह कार्य करता है। मतलब वो कंडीशनल होता है, कंप्लीट कभी सदिश नहीं होता, कंप्लीट कभी, जैसे एग्जांपल के लिए समझ लीजिए क्षेत्रफल, इसको हम प्रदिश राशि मान सकते हैं। तो ये तो मैथमेटिक्स में ज़्यादा आपका काम का नहीं है। अब हमको देखो सदिश भौतिक राशियों को पढ़ना है। तो ऐसा मैथमेटिक्स, ऐसा मैथ्स जिसमें हम सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। और उसके बारे में हमको पढ़ाई करना है। सबसे पहले देखो कि हम यहाँ पर देख लें कि सदिश राशियों का निरूपण किस तरह से किया जाता है। मैं स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल जीरो से। तो यहाँ से हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं सदिशों का निरूपण। सदिशों का निरूपण मतलब रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, मतलब हम उसको किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो सदिशों को प्रदर्शित करने का अपना एक अलग तरीका है, और इसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम प्रदर्शित करेंगे ऐसा, इसको हम रीड करेंगे वेक्टर ए, या इसको ऐसा प्रदर्शित करते हैं, या हम इसको इस तरह से बोल्ड लेटर, मतलब हम इसको थोड़ा सा बोल्ड लेटर बना के भी प्रदर्शित करते हैं इस तरह से। जनरली हम इसका यूज़ नहीं करते। तो तीन तरीके से हम सदिशों को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो सदिशों का निरूपण है, सदिशों को इतने तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखो, सदिशों के निरूपण के बाद हम ये देखेंगे कि सदिश में जो वर्ड यूज़ होते हैं, जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होता है, जिन शब्दों का हम सदिश में स्पेशली यूज़ करते हैं, जितने प्रकार के सदिश होते हैं, आज के क्लास में मैं ये सब आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि पॉइंट वाइज लिख देता हूं मैं। फर्स्ट पॉइंट तो निरूपण, सेकंड पॉइंट में अपन देखते हैं स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं पोजिशन वेक्टर। ये आपको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर को बिल्कुल जीरो से। जीरो से मीन्स इस क्लास में
पहले ओल्ड सिलेबस में वेक्टर का स्टार्टिंग 11th क्लास से हो जाता था, लेकिन न्यू सिलेबस में कंप्लीट स्टार्टिंग 12th क्लास से ही है CBSE में। तो यहाँ पर हम उसको बिल्कुल जीरो से आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई एक्चुअल में वेक्टर होता क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसमें किस किस तरह के टर्म यूज़ होते हैं, सब चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो पोजिशन वेक्टर या स्थिति सदिश का मतलब होता है कि सपोज़ यहाँ पर ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से ये बहुत से वेक्टर इस तरह से निकल रहे हैं, ये ओ है और यहाँ से एक सदिश निकला हुआ है, एक वेक्टर ओ ए, ये सपोज़ वो बी, ये सपोज़ ओ सी। तो जितने भी वेक्टर्स कहाँ से निकलते हैं, ओरिजिन से। ओरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु। तो यदि वेक्टर्स, जितने वेक्टर्स ओरिजिन से निकलते हैं, मूल बिंदु से निकलते हैं, उन सभी सदिशों को क्या कहते हैं अपन, पोजिशन वेक्टर्स कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ओ ए से या तो ओ बी से, ओ सी से, एंड सो ऑन, जितना तरीके से होता है इस तरीके से हम स्थिति सदिश को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज टर्मिनोलॉजी, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले थर्ड पॉइंट आप समझ सकते हो, विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश मतलब डिस्प्लेसमेंट देखो इन चीजों को आपको जानना इसलिए जरूरी है कि इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन, ये बेसिक फंडामेंटल है। कभी भी बेसिक फंडामेंटल पुअर हो तो फिर आगे आपको कुछ बनेगा नहीं, और फिर वेक्टर का नेचर कुछ अलग है, इसलिए आपको शुरुआत से उनको समझना है। विस्थापन सदिश या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब क्या है, देखो जैसे हमारे पास टू पोजिशन वैक्टर्स हैं, ये हमने इमेजिन किया कि सपोज टू पोजिशन वैक्टर हैं, ये ओ पॉइंट है और सपोज ये ओ ए है और ये क्या है, ओ बी है। तो ये ओ ए ओ बी और इनके बीच का ये डिस्प्लेसमेंट है, ये तो इसको हम इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे ए बी। मतलब टू पोजिशन वेक्टर के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पोजिशन वेक्टर, दो स्थित सदिश के बीच का जो विस्थापन होता है उसको हम विस्थापन सदिश कहते हैं। इसको प्रदर्शित करेंगे इस प्रकार से ए बी से, और ए बी निकालने का फार्मूला क्या होता है, देखो इसको हम पढ़ेंगे वेक्टर ए बी, और वेक्टर ए बी निकालने का फार्मूला होता है पी वी, मतलब पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होगा अभी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में, इस फार्मूला को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो पोजिशन वेक्टर ऑफ बी को हम क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकली, ओ बी माइनस ओ ए। इस तरह से कहीं पर भी आपको पोजिशन वेक्टर निकालना होगा तो पोजिशन वेक्टर आप कैसे निकालोगे, बाद में जो होगा उसका पोजिशन वेक्टर पहले लिखोगे और पहले होगा उसका बाद में लिखोगे। दैट मीन्स वेक्टर ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, इस प्रकार से क्या किया जाता है, इसको लिखा जाता है। ओके, तो ये है पोजिशन वेक्टर फाइंड करने का फार्मूला, और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ध्यान रखना। इस पर बहुत से क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। आज के क्लास में हम बेसिक क्लियर कर लें, और नेक्स्ट क्लास में आपने मैथमेटिक्स का मेरा पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको ये मेरा तरीका पता होगा कि पहले दिन के क्लास में मैं पूरा बेसिक चीज़ों पर बात करता हूँ, नेक्स्ट डे से हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हम कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आज पूरे बेसिक पर पढ़ेंगे, और बेसिक ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, तो हमने विस्थापन सदिश पढ़ लिया, अब देखो नेक्स्ट सदिश का मापांक। मापांक मतलब मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ द वेक्टर। सदिश का मापांक क्या होता है, ये देखो मॉडुलस आपको मालूम है कि मॉडुलस को हम दो स्ट्रेट लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मॉड आप पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा मान लो हम ये लिखें इस तरह से, इसको पढ़ा जाता है मॉड ऑफ वेक्टर ए, इसको हम कहेंगे सदिश का मापांक, मॉड ऑफ वेक्टर ए। मॉड ऑफ वेक्टर ए का मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए स्केलर ए होता है। अब ये क्या हो गया, स्केलर, मतलब यहाँ से हम क्या समझते हैं कि किसी भी सदिश का जो मापांक होता है, किसी भी सदिश का जो मापांक होता है वह क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वह एक अदिश राशि होता है, ये आप ध्यान में रखोगे। ओके, तो ये कहलाता है सदिश का मापांक। उसके बाद मैं आपको बता दूं एकांक सदिश। टर्मिनोलॉजी तो मैं पूरा एक साथ बता ही दे रहा हूँ आपको मैं, इसको हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं सब, फिजिक्स में भी जरूरत होता है। एकांक सदिश जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कहने का मतलब ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, इकाई हो, जिसका परिमाण इकाई हो, या जिसका मैग्नीट्यूड, इंग्लिश में कहें हम जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन हो, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर।
जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जैसे 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम, जो भी है, जो सदिश राशि है। तो यदि उसका परिमाण इकाई हो, जैसे किसी पिंड का वेग 1 मीटर पर सेकंड है, तो हम उसको यूनिट कह सकते हैं। और यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए कैप से। यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप, इसको हम पढ़ते हैं ए कैप, ध्यान रखना, ठीक है। ए के ऊपर में लगाया गया कैप, ये इसको निशान मत समझना ना, ये तो मैं अंडरलाइन किया था। इसको हम पढ़ेंगे ए कैप, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं ए कैप। कैप मतलब टोपी, जैसे अपन टोपी पहनते हैं ना, वैसे ए को क्या है, टोपी पहनाया गया है। वैज्ञानिकों ने उसका संकेत बनाया है, उसको कैप लगा दिया और बोला ए कैप। तो कहीं पर भी किसी वेक्टर के ऊपर में यदि कैप लगा हो, तो आप समझ जाना कि क्या है, वो यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है। और यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फार्मूला होता है वेक्टर, सॉरी, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। एकांक सदिश निकालने का जो फार्मूला होता है, एकांक सदिश निकालने का, वो होता है सदिश, उस सदिश में जब हम उस सदिश के मापांक को डिवाइड कर देते हैं, तो हमको मिल जाता है क्या, उसका यूनिट वेक्टर। ओके, तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। इसके बाद देखो, इसी स्लाइड में मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, पॉइंट सिक्स, इस पॉइंट सिक्स में आपको समझना है समांतर सदिश, ठीक है। पॉइंट सिक्स क्या है, समांतर सदिश। मैं पूरे टर्मिनोलॉजी को एक साथ आपको बता रहा हूँ एक जगह, ताकि आपको अंदर पढ़ाई करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो ध्यान से समझना इसको, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर समांतर सदिश का मतलब क्या होता है, देखो समांतर सदिश मतलब होता है, जैसे ये एक सदिश है, सपोज ये एक सदिश है और सपोज ये दूसरा सदिश है, ये सदिश ए है और ये सदिश बी है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों सदिश की दिशा क्या है, समान है, दोनों सदिश की दिशा समान है, लेकिन परिमाण कम ज़्यादा है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कम है। देखो ये छोटी लाइन है और ये क्या है, बड़ी लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए पैरेलल बी कहेंगे, इसको ऐसा लिखते हैं ए इक्वल टू टी बी। यहाँ पर टी एक कांस्टेंट है, मतलब यदि हम किसी वेक्टर को, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इनको बहुत ध्यान में रखना है ना। देखो आप एक ऐसे मैथमेटिक्स को शुरू कर रहे हो जो बिल्कुल नया स्टार्ट हो रहा है, और यदि आप मेरे पहले दिन के लेक्चर पर लापरवाही किए, तो आपको फिर आगे समझने में बहुत प्रॉब्लम आएगा। इसलिए इस क्लास को बहुत ध्यान समझना, और मेरा हैबिट है कि मैं पहले दिन के क्लास में बहुत डेप्थ में जाके छोटी छोटी चीज़ों पर डिस्कस करता हूँ, चाहे मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो। यहाँ पर आप देखो, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है a इक्वल टू थ्री बी, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि a और b समांतर सदिश है। अब वहाँ पर आप समझ नहीं पाओगे कि सर इसको कैसे समांतर सदिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ बेसिक में कि कोई भी सदिश यदि दूसरे सदिश के गुणांक के रूप में है, कोफिशियंट के, तो वो समांतर सदिश होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी दिशा में समान है, लेकिन ए सदिश बी का क्या है, थ्री टाइम्स है, तीन गुना है। तो परिमाण क्या है, अलग अलग है, मैग्नीट्यूड उनका अलग अलग है, बट डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इफ टू वेक्टर्स आर सेम इन डायरेक्शन बट डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड, दे आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। ओके, और इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैंने बता दिया आपको। इसके बाद हम देखते हैं, देखो इसी के साथ में हम पढ़ लेते हैं, इसका एक साथी है और वो है समान सदिश। समान सदिश इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर समान सदिश का मतलब क्या होता है, देखो अब आप समझ गए होंगे कि दो सदिश, जैसे एक सदिश ये है, दूसरा सदिश ये है, ये सदिश ये है, सदिश बी है, सदिश ए सदिश बी, और दोनों सदिश क्या हो, परिमाण और दिशा दोनों में बराबर हो। यदि दो सदिश परिमाण और दिशा दोनों में समान हो, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आल्सो, देन दे आर कॉल्ड पैरेलल इक्वल वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि हर इक्वल वेक्टर, हर समान सदिश को हम समांतर कह सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन हर समांतर सदिश समान नहीं होता। एवरी इक्वल वेक्टर इज पैरेलल वेक्टर, बट पैरेलल वेक्टर इज नॉट ए स्केलर इक्वल वेक्टर। ओके, तो ये ध्यान में रखना, ये दोनों में इस तरह से समानता है, समांतर सदिश और समान सदिश, पैरेलल वेक्टर एंड इक्वल वेक्टर। तो सेवन पॉइंट्स ये क्लियर हुए।
नेक्स्ट हम देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है विपरीत सदिश। विपरीत सदिश या इसको रेड सदिश भी कहा जाता है। क्लियर, रेड सदिश भी कहा जाता है। अपोजिट वेक्टर आर निगेटिव वेक्टर, आप समझ गए, अपोजिट वेक्टर आर निगेटिव वेक्टर। ये क्या होता है देखो, सपोज ये एक वेक्टर है ए और एक दूसरा वेक्टर है बी, और आप देख रहे हो कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है। तो यदि दो वेक्टर का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो तो हम उसको उसका निगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर कहेंगे, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर बी से। यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, ध्यान रखना। कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर ये इक्वल रहेंगे क्या, तो मैं लगभग लाइन को इक्वल बना दिया तो कन्फ्यूजन हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे ऐसा भी हो सकता है, और सपोज एक छोटी लाइन है ये बड़ी लाइन है, तो इसका वेक्टर ए है इधर वेक्टर बी है, तो इसको मैं लिख दिया ए इक्वल टू माइनस थ्री बी, मतलब ये माइनस बताएगा कि निगेटिव वेक्टर है लेकिन बी क्या है इसका थ्री टाइम्स है। तो निगेटिव वेक्टर्स इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, बस यहाँ पर ये देखना है कि उनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होता है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं अपन, यदि दो वेक्टर के डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो तो उसको हम क्या कहेंगे, निगेटिव वेक्टर या रेड सदिश कहेंगे। और लास्ट टर्म हमको जो समझना है यहाँ पर 9 नंबर का पॉइंट, वो है शून्य सदिश। शून्य सदिश जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, जिसका परिमाण शून्य हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड जीरो हो लेकिन उसमें डायरेक्शन हो। बहुत अजीब बात है कि मैग्नीट्यूड तो जीरो हो उसका लेकिन उसमें डायरेक्शन हो, ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर कहते हैं। उसका एक ही एग्जांपल है और वो एग्जांपल है क्या, पॉइंट। क्या है, पॉइंट हिंदी में कहेंगे बिंदु। बिंदु सदिश क्या होता है, एक जीरो वेक्टर होता है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, वेक्टर ओ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉइंट का मैग्नीट्यूड जीरो क्यों होता है, क्योंकि पॉइंट में ना हम लेंथ मेजरमेंट कर सकते हैं, ना उसका विड्थ कर सकते हैं, ना लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ मेजरमेंट नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, शून्य सदिश कहते हैं। तो ये जो मैंने आपको 9 पॉइंट बताया, सबसे पहले आपको इसी को तैयार करना है। मैंने देखा है, मेरा बहुत लॉन्ग टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, खासकर मैथ्स में सीधा क्वेश्चन बनाना शुरू कर देते हैं। सर एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन, कभी अच्छा नहीं कर पाओगे। मैथमेटिक्स हो चाहे फिजिक्स हो, मैं दोनों सब्जेक्ट आपको पढ़ाता हूँ, दोनों के आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, आपको मालूम है। दोनों सब्जेक्ट में आप टॉपिक में जाने से पहले आप बेसिक चीज़ों पर सफिशिएंट डिस्कस करिए। मैथ्स तो खैर पूरा, फिजिक्स तो खैर पूरा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। फिजिक्स मैथमेटिक्स में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप चैप्टर को समझोगे नहीं, आप चैप्टर में जो फार्मूले यूज़ होते हैं उन पर डिस्कस नहीं करोगे, उनको याद नहीं करोगे, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन कभी नहीं बनेंगे। खैर जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, जो बहुत लंबे समय से मेरे सभी वीडियो देख रहे हैं, चैप्टर 1 से लेकर पूरा कैलकुलस तक, उन सबको ये चीज़ पता है, मैंने बार बार बोला है। जो न्यू स्टूडेंट हैं, हो सकता है इस वीडियो को ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स लोग देखेंगे जो पहली बार देख रहे होंगे, वो सबको मैं बता दूं कि पहले चैप्टर का बेस क्लियर करो, ओके। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं सदिशों का योग, जिसका मुझे पहले एक्सरसाइज में ही ज़रूरत पड़ेगा। अभी तक जो मैं बताया वो क्या था, सदिशों का इंट्रोडक्शन था, वेक्टर का इंट्रोडक्शन था। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये पहला एक्सरसाइज जो मैं आपको कराऊँगा उसमें मुझे इसका ज़रूरत पड़ेगा, तो ध्यान से समझना। अब मैं इसके फार्मूला वाले कॉन्सेप्ट पर आ रहा हूँ, वेक्टर एडिशन सदिशों का योग। तो सदिश योग के कई नियम हैं, लेकिन यहाँ पर हमको अभी सदिश योग के त्रिभुज नियम को पढ़ना है। समांतर चतुर्भुज का भी नियम है लेकिन यहाँ पर उसका कोई उपयोगिता नहीं है, आगे उसको पढ़ेंगे जहाँ ज़रूरत होगा। यहाँ हमको सदिश योग के त्रिभुज नियम को पढ़ना है। तो सदिश योग का त्रिभुज नियम किस तरह से हम यूज़ करते हैं, देखो कि सपोज़ अपने पास कोई ये ट्राइंगल है, सपोज़ ये कोई ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम दे दिया मैंने ए बी सी।
जनरली हम इसका नाम में इसके साइड्स को कैसे लिखते हैं, ये क्या है, शीर्ष ए है तो इसको हम सदिश ए लिखते हैं, जनरली हम ऐसा करते हैं, ध्यान रखना। अब बी का अपोजिट है तो वेक्टर बी है, और सी का अपोजिट है तो ये क्या है, वेक्टर सी है। अब यहाँ पर मैं निशान लगा दूँ, सपोज मैं ए से स्टार्ट करूँ तो ओ ए प्लस बी सी, ये ओ ए प्लस बी सी इक्वल टू क्या होगा, ए सी। तो सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है कि दो लगातार भुजाओं का जो योग है, जैसे यहाँ पर मैं इसको लिखूँ तो क्या लिखूँगा, ए बी, ए से स्टार्ट किया मैंने बी, अब बी से सी, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होगा, ए से सी होगा, ए से सी होगा। मतलब सदिश के दो संगत भुजाओं का जो योग है, जो लगातार दो भुजाओं का योग है, वो उसकी तीसरी भुजा के बराबर होता है। ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं, या आप इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, मान लो मैं बी से लिखना चाहता हूँ तो आप इसको लिख सकते हो बी सी प्लस सी ए, बी सी प्लस सी ए इक्वल टू फिर क्या लिखोगे, बी ए लिखोगे, ऐसा भी लिख सकते हो। या आप इसको लिखना चाहो कई तरीके से, आप मान लो इसको लिखना चाहते हो कि मैं यहाँ से लिखूँ, ए से सी की तरफ लिखूँ, वो तो हो गया समझ लो, आप चाहते हो कि इसको बी से ए की तरफ लिखूँ तो ऐसा भी लिख सकते हो, कई तरीके से लिख सकते हो। दो लगातार भुजाओं का जो योगफल है वो तीसरे के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, यदि सबको क्रम से लिख दें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ जो पीछे लेक्चर में मैं नहीं बता पाया आपको, वो ये है कि वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी इक्वल टू माइनस वेक्टर क्या होता है, बी ए होता है। मतलब यदि सदिश के नाम को हम बदल दें तो वेक्टर ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वेक्टर बी ए लिखते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो मैंने लिखा है, ये इसको मैं यहाँ पर लिख दूँ वेक्टर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू, ये जो ए सी है इसको लिख सकता हूँ माइनस सी ए, इसको माइनस सी ए लिख सकता हूँ, वो जो ऊपर प्रॉपर्टी बताया उससे, और इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू जीरो। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि किसी ट्राइंगल में यदि ट्राइंगल के सभी साइड्स को लगातार ऐड करें तो सबका योगफल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो हमारा जो पहला एक्सरसाइज है कम्प्लीटली क्या होगा, इसी पर बेस्ड होगा, ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से इसको ऐसा लिखा जाता है जब उसके डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। तो ये नियम मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा सबको, और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ इसका हम जो ज़्यादातर प्रॉपर्टी जो यूज़ करते हैं वो प्रॉपर्टी मैं आपको समझा दूँ। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें पहला प्रॉपर्टीज़ है क्रम इन्वेनियम। ये क्रम इन्वेनियम का पालन करता है, मतलब कम्यूटेटिव ला का ये पालन करता है। फॉर एग्जांपल कम्यूटेटिव ला क्या होता है, जैसे कहीं पर लिखा है वेक्टर ए प्लस बी तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर बी प्लस ए, ऐसा लिख सकते हैं, ये कहलाता है क्या, कम्यूटेटिव ला। मतलब ए प्लस बी इक्वल टू हम बी प्लस ए लिख सकते हैं। ओके, जैसे मान लो इसका नेक्स्ट रूल मैं आपको बता दूं, वो है साहचर्य नियम। वैसे इसके बहुत यूज़ होते हैं, मैं वहीं पर बता दूंगा आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा जानना चाहिए आपको। साहचर्य नियम, एसोसिएटिव ला जो होता है, क्रम इन्वेनियम, साहचर्य नियम, ये किस तरह से होता है, देखो ये जैसे लिखा है वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, ये मतलब बी प्लस सी एक साथ है, ए अकेला है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ पर बी और सी एक साथ हैं, ए अकेले है, तो ए और बी को एक साथ करके सी को अकेले कर दिए, तो इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद मैं कुछ इसके और बेसिक प्रॉपर्टी आपको बता दूँ, इस तरह से जैसे कहीं पर लिखा हुआ हो ऐसा, ये किसी भी वेक्टर का यदि हम एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं, जैसे वेक्टर ए में इसके निगेटिव वेक्टर को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, वो जीरो। नेचुरली आप समझ सकते हैं कि किसी वेक्टर में उसके जस्ट अपोजिट वेक्टर को ऐड कर दें तो नेचुरली क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और आप समझ लो, जैसे किसी भी वेक्टर को हम क्या करें, जीरो को ऐड कर दें, जैसे वेक्टर ए प्लस जीरो कर दें तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या रहेगा, ये वेक्टर ए रहेगा, उसका जीरो तत्समक बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं उसका, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, जैसे किसी वेक्टर के साथ हम चाहें तो
तो किसी कांस्टेंट का क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 वेक्टर ए, ऐसा लिखा जा सकता है। ये इसके कुछ रूल्स हैं कि हम चाहें तो किसी वेक्टर के साथ के किसी रिलेशन में दोनों पक्ष में किसी कांस्टेंट का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह से, वेक्टर ए इंटू 1 रहेगा तो क्या बन जाएगा, वो वेक्टर ए ही रहेगा। तो वेक्टर के साथ हम किसी यूनिट मल्टीप्लाई का कर सकते हैं। तो ये सब नियम को आपको ध्यान में रखना है और इसी के बेस पर हमारा पूरा चैप्टर पढ़ा जाएगा। तो आज के क्लास में मैंने आपको जो बताया, आज के क्लास में आपको मैं जो कुछ भी पढ़ाया, ये सब क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है और बिल्कुल बहुत जल्दी हो सके तो कल ही नेक्स्ट टाइम मैं इसका आपको अगला क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। अब हमारा जो वेक्टर है वो कंटिन्यूअस चलेगा। ओके, तो आज के क्लास में जितने मेरे पुराने स्टूडेंट थे जो कैलकुलस के बाद फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, वो आगे कंटिन्यूअस करिए। जो न्यू स्टूडेंट हैं उनकी मर्जी, कहीं से भी आप टॉपिक स्टार्ट कर सकते हो। वेक्टर को ही पहला चैप्टर मान के आप स्टार्ट कर सकते हो। बीच का वीडियो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन आज तो मैंने वेक्टर को नया शुरुआत किया, तो चैप्टर 10 को 1 समझ के आप शुरुआत कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बाकी मेरे पूरे 9 चैप्टर के लेक्चर प्लेलिस्ट पर अवेलेबल हैं। पहले चैप्टर से लेके पूरा चैप्टर 9 तक के कंप्लीट बहुत अच्छे क्वालिटी में आपको मैंने वो प्रोवाइड कराया है। अब हमारा वेक्टर कंटिन्यूअस चलेगा, बहुत बड़ा पोर्शन है ये और बहुत बहुत वीडियो बनेंगे इसके, कंटिन्यूअस आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये आप अच्छे से रिवाइज कर लो और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर हम इसके एक्सरसाइज के साथ। ओके, थैंक यू।